चूरू के सुजानगढ़ से खबर। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचे सुजानगढ़। बेनीवाल ने यूपी की घटना को बताया शर्मनाक। बेनीवाल ने कहा, पुलिस कस्टडी में अपराधी की मौत होना लोकतंत्र की हत्या, ये घटनाएं चिंताजनक। आने वाला समय और भी होगा खराब। अगर भाजपा राजस्थान में आती है तो 5 साल होंगे चुनौतीपूर्ण। कि जो ईद है वो हमारे लिए नया राजस्थान लेके आए। ईद के मौके पे, रमजान के मौके पे जो रोजा इफ्तार कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आयोजित किया, ऐसे कार्यक्रम जगह जगह हमारी पार्टी आयोजित कर रही। राजस्थान कल ब्यावर के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम है और पहले से मैं हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे और हिंदू मुस्लिम को एक ही हमने तराजू में तोल के हमेशा देखा कि जब दोनों एक गाड़ी के पहिए, जब मुसलमानों का विकास होगा हिंदुओं के साथ साथ तभी देश का विकास होगा। ये बात इसी साल के अंदर चुनाव है और जहाँ भी थर्ड फंड देश के अंदर बने, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, चाहे आपके नॉर्थ ईस्ट के या साउथ के इलाके हो, वहाँ थर्ड फंड में मुसलमानों की बड़ी भूमिका रही है। मुसलमानों के बिना तीसरा मोर्चा नहीं बना। शेड्यूल कास्ट मुस्लिम, यहाँ हमारा समाज साथ है, हमारे समाज साथ ओबीसी के अन्य जाति हमारे साथ है। मुसलमान है ऐसी में अगर एक कौम खुल के हमारे साथ आ जाए तो 100+ सीटें राजस्थान के अंदर आएगी। ये मैं आह्वान करता हूँ, और अगर मेरे साथ नहीं आके और अपनी पार्टी भी बनाते हैं तो भी मैं उनसे गठबंधन कर लूंगा। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तमाम दल है, चाहे वो कोई से भी दल है, उन सब दलों से समझौता करके इस बार बीजेपी को रोकेंगे और कांग्रेस को भी नीचे लाएंगे और नई सरकार राजस्थान में थर्ड फ्रंट की आपके सपनों की सरकार बनाएगी। सर, पायलट बीजेपी में जाते हैं तो क्या लगे? बीजेपी में जाते हैं तो हम पायलट के खिलाफ लड़ेंगे और क्या लगता है, दिख रहा आपको जो घटना हुई। देखिए, लोकतंत्र के अंदर अगर कस्टडी में कोई भी घटना होती है, कस्टडी के अंदर आप किसी को मार दें तो ये शर्मनाक घटना होती है। हर जगह अपन जानते हैं कि जेल में अगर अंदर कोई मारा जाए, पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या हो जाए, ये तो लोकतंत्र की हत्या है, तो यूपी के हर जगह की बात है। तो ये कहीं न कहीं ये जो घटनाएं हैं इस ओर इंगित करती है कि आने वाला समय ठीक नहीं है। राजस्थान में भी हमें संभल के चलना होगा। राजस्थान के अंदर भी अगर 125 भाजपा आ गई ना इस बार, तो 5 साल कैसे निकलेंगे उसका अंदाज भी आपको लगाना होगा। हनुमान बेनीवाल तो अपराधियों के खिलाफ जरूर है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट किस लिए बनाए आप बताओ? सारा काम आप खुद ही कर लोगे तो कोर्ट कचहरी कहाँ हो सकता है? कोर्ट कचहरी के माध्यम से जो भी सजा मिले वो कोर्ट कचहरी के माध्यम से मिले, और जीने का अधिकार सबको है। ये मारने का हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। ये देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सारे धर्म के लोग सांस लेते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगता है। आज़ादी के आंदोलन में जब आज भारत क्यों आगे बढ़ा, क्योंकि ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कई देश धर्म के नाम से देश चल रहे हैं तो वहाँ के हालात आप देखिए, आर्थिक हालात क्या हो गए, तो भारत इसलिए आगे बढ़ा कि लोकतांत्रिक देश है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं उत्तर प्रदेश से तमाम देश के अंदर हो रही वो ठीक नहीं है। आने वाला समय ठीक नहीं, इस ओर इंगित करे, इन्हें हमें संभल के करना होगा। ये मैं आह्वान।